अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 9 ज्योमेट्री, एक्सरसाइज नंबर 9.2, पेज नंबर 143 एंड 144 एंड 145। टुडेज टॉपिक इज द एरिया ऑफ द ट्रैपीजियम। इट इज़ द शेप ऑफ ट्रैपीजियम। स्टूडेंट्स, ट्रैपीजियम जो है वो क्वाड्रिलेटरल फिगर है, क्योंकि इसकी कितनी साइड है? क्वाड्रिलेटरल। मैंने आपको क्लास 5 में भी बताया था और 6 में भी बताया था कि क्वाड्रिलेटरल हमारी फोर साइड फिगर होती है। जो भी फिगर हमारे पास फोर साइड होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? क्वाड्रिलेटरल फिगर कहलाएगी। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? फोर साइड्स हैं, मौजूद हैं, ठीक है, ए बी सी डी जो कि उसका नाम है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर? क्या है हमारे पास? दो साइड्स हैं। दो साइड क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे कि ए बी और सी डी जो दोनों क्या हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल है। और जो है ए डी और बी सी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और जैसे कि आपके पास क्या है? ए बी और ए डी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ डॉट से लाइन बनाई हुई है। ये क्या है? इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। एल्टीट्यूड है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। अब मैंने जो बनाई है डी से लेकर एल तक, सी से लेकर के तक की, ये एक क्या है हमारे पास? एक लाइन सेगमेंट है जो कि किसे शो कर रही है? एल्टीट्यूड को शो कर रही है। स्टूडेंट्स, ट्रैपीजियम में हमारे पास क्या होते हैं? दोनों साइड्स हमारे पास पैरेलल है। ट्रैपीजियम में हमारी जो टू बेसिस होती हैं, कितनी बेसिस होती है? टू बेसिस होती है हमारे पास, ठीक है। एक तो हमारे पास कौन सी होगी? नीचे वाली होगी, ए बी वाली, और दूसरी जो होगी वो कौन सी होगी? डी सी वाली हमारी बेस होगी, ठीक है। और जो इसके अपोजिट में हमारे पास है डी एल, डी एल ए या सी के, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आपके पास आएगी जो कि आपकी एल्टीट्यूड कहलाएगी। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द ट्रैपीजियम। एरिया ऑफ द ट्रैपीजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए, ब्रैकेट में आप रखेंगे पैरेंथेसिस में, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। नाउ आई विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। स्टूडेंट्स, ये फिगर कौन सी फिगर है पहले हमें ये पहचानना है, ठीक है। इट इज़ द शेप ऑफ ट्रैपीजियम, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला है ट्रैपीजियम की शेप है? इसके पास कितनी बेसिस है? टू बेसिस है। देखो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जो पैरेलल होगी वो उसकी बेसिस होगी, ठीक है। ये बेस नंबर 1 है नीचे वाली, और ऊपर वाली जो होगी बेस नंबर 2 की। आप कोई से भी बेस 1 और 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो है, सबसे पहले हम फॉर्मूला राइट करेंगे। एल्टीट्यूड हमारे पास गिवन है, ठीक है, जो अपोजिट में, एरिया ऑफ द ट्रैपीजियम इज़ ठीक है। अब क्या करेंगे? इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रैपीजियम हमने राइट कर लिया। अब एरिया ऑफ द ट्रैपीजियम का फॉर्मूला क्या हमारे पास? 1/2, ठीक है, पैरेंथेसिस ए प्लस बी ए मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्टूडेंट्स, स्मॉल ए जो है वो आपकी क्या है? बेस ए है, और स्मॉल बी जो है वो बेस टू है, ठीक है। ए क्या है हमारे पास? 46 सेंटीमीटर, प्लस बी हमारे पास क्या है? बेस टू, यानी कि कितनी हमारे पास बेस टू? 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट है, एल्टीट्यूड एक ही बात है, हाइट कितनी हमारे पास? 25, ठीक है। स्टूडेंट्स, पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, हर बार जिस तरीके से मैं बताती हूँ कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो पहले यहाँ पर भी हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 46 और प्लस को हम कर देंगे 30 के साथ, तो हमारे पास होंगे 76 मल्टीप्लाई बाय 25। स्टूडेंट्स देखिए, क्रॉस में कट हो रहे हैं ब्रैकेट में, 2 1 2, 2 3 6, 1 हमने बोरो दे दिया है उसे, 2 8 16। अब 1 को 13 से मल्टी 38 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 38 मल्टीप्लाई बाय 25। स्टूडेंट्स हम रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पर, 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो क्या आएगा, ठीक है, 5 8 40, 4 हमने कैरी कर दिया है, 5 3 15, 15 में 4 प्लस करेंगे तो 19, 2 8 16, 1 इसे हमने बोरो दे दिया, कैरी कर दिया है, 2
थ्री ज़ार सिक्स, वन सिक्स में वन प्लस किया सेवन, ज़ीरो का ज़ीरो, नाइन और सिक्स कितने हो गए हमारे पास फिफ्टीन, फिफ्टीन का वन हमने दिया, वन और वन टू, टू और सेवन नाइन, तो हमारे पास आंसर क्या है 950। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, सेंटीमीटर में हमारे पास बेसिस थे और एल्टीट्यूड था, तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ये भी हमारे पास फिगर कौन सी, ट्रेपीजियम की फिगर है, ठीक है। 25 जो है हमारे पास बेस वन है और जो 35 है वो हमारे पास क्या है बेस टू है, ठीक है। और जो इसके अपोजिट में है वो हमारे पास क्या है एल्टीट्यूड है, या हाइट लग बता दें आप, एल्टीट्यूड दोनों को राइट कर सकते हैं दोनों, ठीक है। अब सबसे पहले हम फिगर हमारे पास ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का हम फॉर्मूला राइट करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज इक्वल टू वन अपॉन टू पैरेंथेसिस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब हमारे पास वन अपॉन टू हम एज इट इज राइट करेंगे, ठीक है। ए हमारे पास कितने हैं 25, यानी कि बेस वन हमारे पास कितनी है 25 और बेस टू हमारे पास कितनी है 35 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट हमारे पास कितनी है 28, ठीक है। पहले आप क्रॉस में कट नहीं कर सकते, दोनों को पहले प्लस करेंगे क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व पहले करते हैं। 35 को 25 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 60 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 28 हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। टू वन ज़ार टू, टू थ्री ज़ार सिक्स, ज़ीरो एज इट इज़ राइट कर देंगे हम, ठीक है। थ्री वन ज़ार 30 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31030 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 28 के साथ, ठीक है। 28 हम साइड में रफ वर्क कर लेते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 28 8 0 0 8 3 0 24, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 0 0 0 2 3 0 6, ठीक है। 0 का 0, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, हमारे पास आंसर क्या है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इट्स आर आंसर। दिस इज़ योर असाइनमेंट, सॉल्व ऑन लीफ पेपर एंड सबमिट एट स्कूल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।